हाय फ्रेंड्स, आज हम दिखाएंगे कि आर्टकैम जो सॉफ्टवेयर है इसमें कोई भी डिजाइन अगर हमने बना लिया और उसका मटेरियल और लुक्स कैसे सेट करके उसको हम कैटलॉग बनाने के लिए जेपेग में या बिटमैप में कैसे हम सेव कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये हमारा इमेज है, इसका जो व्यू है इस व्यू को हम किसी भी एंगल में इस तरह से रख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, इसमें सपोज हमें मटेरियल देना है तो हमें क्या करना होगा, मॉडल ऑप्शन में जाएंगे, जाने के बाद लाइट्स एंड मटेरियल सेटअप, ये जगह पे जाने के बाद मॉडलिंग डिफॉल्ट बोल के जो जगह है इधर क्लिक करेंगे, फिर देखिए सॉफ्ट गोल्ड ये वाला सिलेक्ट करेंगे, फिर सिलेक्टेड कलर इधर जाके सपोज ये थोड़ा सा डार्क रेड वाला कलर लेंगे, फिर ओके कर देंगे। फिर क्या है, नीचे जाके देखिए बैकग्राउंड इधर से हम टेक्सचर ब्लैक सिलेक्ट कर देंगे, फिर अप्लाई। और इधर देखिए साइनेस थोड़ा सा अगर बढ़ाना चाहते हैं थोड़ा बढ़ा दिया, फिर अप्लाई, फिर इसको हम क्लोज कर देते हैं। अभी इसका फ्रंट व्यू लेना चाहते हैं तो इस तरह से फ्रंट व्यू ले सकते हैं। फिर इसको अगर सेव करना है तो देख लीजिए, और बैकग्राउंड अगर नहीं चाहते हैं तो ये वाला जगह से देखिए बैकग्राउंड को हमने ऑफ कर दिया। अभी इसे क्या करना है, हम पूरा पेज का सेंटर में ले लिया, फिर थोड़ा सा जूम कर लेंगे और कोई भी एंगल से इसका व्यू हम ले सकते हैं इस तरह से, ठीक है। लेने के बाद फिर हम इसको जेपैग में सेव कर सकते हैं। तो पहले हम एकदम सेंटर वाला व्यू लेंगे, तो इस तरह सेंटर वाला व्यू ले लिया, थोड़ा सा अगर घुमाना चाहते हैं तो स्पेस बार प्रेस करके ऐसे घुमा दिया। फिर इसको रेंडर कैसे करेंगे, देखिए व्यू ऑप्शन में जाएंगे, जाने के बाद सेव 3D व्यू इमेज ये जगह पे क्लिक करेंगे, फिर हम इसको PDF में सेव कर सकते हैं, बिटमैप में कर सकते हैं, टिप में कर सकते हैं, जेपैग में कर सकते हैं। इधर मैं बेड नाम से लिख दिया, फिर इसको सेव ऑप्शन पे क्लिक कर दिया, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगता है, मिनिमाइज करके दिखा देता हूँ, देखिए ये जेपैग में सेव हो गया, देख रहे हैं। तो इस तरह से कोई भी डिजाइन जो हमने बनाया है उसका गॉर्जियस प्रीव्यू हम दे सकते हैं, ताकि इसका जो लुक है और थोड़ा अच्छा दिखे, ठीक है। और एक बात, ये तो 18 में हुआ, अभी अगर आर्टकैम 8 में हम ये करना चाहते हैं तो सबसे पहले वो मॉडल को हम ओपन कर लेंगे। ओपन कर लिया, फिर क्या करेंगे, इस व्यू को हम जूम करके बड़ा कर लेंगे, जो 3D वाला व्यू है ऐसे बड़ा कर दिया। फिर देखिए कोई भी व्यू चाहिए, देखिए ये नॉर्मल सेंटर वाला व्यू मिल जाएगा इसमें, इसमें क्लिक कीजिए, थोड़ा सा टाइम लगता है। फिर देखिए बैकग्राउंड जो है इसको नान कर दिया हमने, ठीक है। फिर थोड़ा पर्सपेक्टिव जैसा व्यू अगर लेना चाहते हैं तो इस तरह से ले लीजिए, इसको जूम कर दिया। अभी इसमें मटेरियल सेट करना है, तो मटेरियल सेट करने के लिए मॉडल में जाइए, फिर ये जो लाइट एंड मटेरियल सेटअप मॉडल, ये लाइट एंड मटेरियल सेटअप में जाइए, इधर जाके ओल्ड डिफॉल्ट सिलेक्ट कीजिए, सॉफ्ट गोल्ड सिलेक्ट कीजिए, ओल्ड डिफॉल्ट सिलेक्ट हमारा होता है, ये ओल्ड डिफॉल्ट है जो येलो कलर का दिखता है, देखिए इस तरह का दिखता है, पर ये उतना गॉर्जियस नहीं लगता है। तो हम लाइट्स एंड मटेरियल में जाके ये जगह पे सॉफ्ट गोल्ड सिलेक्ट करेंगे और बैकग्राउंड देंगे टेक्सचर ब्लैक, और इसे हम अगर रेड कलर में चाह रहे हैं थोड़ा डार्किश, ओके अप्लाई डन, देखा। और इसमें साइनेस शार्पनेस थोड़ा सा देना पड़ेगा, साइनेस जो है ये अप्लाई डन,
देखिए हो गया। अभी इसको जेपैग में अगर सेव करना है तो विंडोज में जाके सेव 3D व्यू इमेज, और इधर जाके हम जेपैग में जाके एक नाम दे देते हैं सेव। इसमें भी थोड़ा सा टाइम लगता है, इस करके दिखा देता हूं। आर्ट में जेपैग होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। बस हो गया, ये देखिए। तो इस तरह से कोई भी डिजाइन को आर्टकैम में हम मटेरियल देके उसको जेपैग में सेव कर सकते हैं कैटलॉग बनाने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक।